न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले पर सीएम योगी ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, राष्ट्रपति बर्खास्त करें पश्चिम बंगाल सरकार को। योगी ने कहा, निर्वाचन आयोग की भूमिका भी संदिग्ध। 6 चरणों में हुए बवाल के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। टोल फ्री नंबर 1950 पर डायल करके मतदाता हासिल कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना भाग, संख्या, क्रमांक और बूथ स्तर। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से डीएम ने दी जानकारी। भारत सेवा आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाली समाज की महिलाओं ने शंख बजाकर एवं पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं को मतदान करने के अधिकार को देने में इंग्लैंड से ज्यादा प्रगतिशील है भारत। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों का मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, बीजेपी से मिला मछुआरों को एससी आरक्षण, सत्ता संरक्षण, सुरक्षा, न्याय रूपी महाप्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंधी समाज के सम्मेलन में कहा, ये चुनाव देश को बना भी सकता है और गलत हाथों में देश की कमान गई तो देश को बिगाड़ भी सकता है। 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गोरखपुर पुलिस है तैयार। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से एसएसपी ने कहा, बिना डरे बिना रुके करें मतदान, जनपद पुलिस है आपके साथ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक संघ डीएम एसएसपी ने किया जोनल सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के साथ मतदान को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार। मुहिम संघ जुड़े गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शपथ लेकर सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने की किया अपील। कांग्रेस पार्टी ने जारी किया 10 सूत्री मैनिफेस्टो के अलावा 5 लोकल मुद्दे। कहा, लोकल मुद्दा बनेगा चुनावी आधार। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने जनसभा और नुक्कड़ सभा में किया अपील, अब की बार फिर मोदी सरकार। कौमी एकता कमेटी उत्तर प्रदेश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवारों को दिया समर्थन। कहा, देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए दे रहे हैं समर्थन। और विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाई आवाज। कहा, मांगे पूरी न हुई तो होगा जून में आंदोलन।